जब वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा के नए नए इस्तेमाल खोज रहे थे, तब हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और जर्मनी के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में लग गए। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या आ गई, क्या इतनी शक्तिशाली चीज को हथियार के रूप में प्रयोग करना ठीक होगा? लेकिन जर्मनी को रोकने का सिर्फ एक यही रास्ता था कि हिटलर से पहले परमाणु बम बना लिया जाए। हंगरी के एक साइंटिस्ट लियो सनार्ड आइंस्टाइन से जाकर मिले और स्थिति की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा। लेटर पढ़ते ही रूजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम था। लाखों लोगों ने एक साथ 24 घंटे काम करके दुनिया का पहला परमाणु बम बना लिया। इधर पैसिफिक ओशियन में जापान ने अमेरिका को मार मार के भरता बना रखा था। कोई और रास्ता ना देखकर अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया, जिसकी ताकत लगभग 20,000 TNT के बराबर थी। अब मानवता के हाथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार लग चुका था। अगली वीडियो में जानेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में। अब आपके लिए सवाल, चेर्नोबिल डिजास्टर किस देश में हुआ था?